जवाब। तन्ने फिर से हार गया और क्या हुआ? फिर से हार गया। सही है, मैं तो बोल रहा था चेन्नई हारेगा। सही है भाई, चेन्नई यार मुंबई जीतेगा इस बार देखना। चेन्नई दो मैच हारा है लेकिन अभी आगे से वापस मतलब सब मैच जीतेगा। ठीक है, हर साल मुंबई नहीं, मुंबई बता रहा हूँ भाई, मुंबई जीतेगा, मुंबई हर साल जीतेगा। आईपीएल का क्रेज सबके सर पे चढ़ा है और इसी के साथ ओवन स्टोरी पिज्जा लेके आया है नया स्पेशल टाइप का पिज्जा जो कि है स्पेशल पिज्जा लीग। आई मीन इसी में 8 तरीके के नए पिज्जा लेके आया है ओवन स्टोरी और सभी टीम्स के नाम पे एक एक पिज्जा कर दिया है। सो मतलब ऑल टाइम फेवरेट तो चेन्नई और मुंबई है सबका, तो आज हम यही मतलब गाइस ऑर्डर कर रहे हैं एंड हम आज इसको कंपेयर भी करेंगे क्योंकि मुंबई और चेन्नई मतलब पहले से ही राइवल्स हैं, तो हमको मौका मिला है पिज्जा कंपेयर करने का, वो भी इन दोनों के नाम का। सो मतलब मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेट्स गेट स्टार्ट। आजा भाई, तो गाइस बहुत दिनों से ओवन स्टोरी का मैं कोई मतलब वीडियो नहीं बनाया था, सो आज मौका मिला है। तो पहला जो हमारा पिज्जा है, पिज्जा का नाम क्या है भाई? अच्छा, पनीर एक्स्ट्रावेगेंजा, तो उसी को चेन्नई का नाम दे दिया भाई। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या नाम से मतलब चेन्नई का क्या नाम दिया है। एंड दूसरा है क्लासिक मार्गरिटा सेमिज़ा जिसको मुंबई का नाम दे दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मतलब मुंबई का नाम दिया है उन लोगों ने। सो वेल डन गाइस, ठीक है, प्राइस भी आप मतलब ऐप निकाल के चेक कर सकते हैं। सो अभी हम बढ़ेंगे ओपन करके अनबॉक्सिंग करने के लिए। और हाँ, मैं बता दूं गाइस कि ये फुल साइज का पिज्जा नहीं है, इसको हाफ हाफ करके बेचा जा रहा है। सो हम देखते हैं हाफ वाला पिज्जा कैसा है एंड क्या। लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। ऑलराइट गाइस, तो बेसिकली दिस इज द पिज्जा एंड पिज्जा नहीं है, सॉरी पिज्जा का डब्बा है। बिल तो अपने को चाहिए नहीं, पैकिंग मतलब एकदम सही सा पैकिंग करा है मेरे हिसाब से, और मतलब ये 100% सिक्योर है। अच्छा भाई साहब, ऐसा बात है, तो ये जो आधा पिज्जा है बॉक्स भी आधे साइज का है। वाओ अमेजिंग। सो मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब मजेदार लग रहा है यार, मतलब ऐसा लंबा साइज का है ना, तो वही बड़े मजेदार वाला चीज है। एंड ये ओरेगानो है और उसका मतलब मुझे बहुत ही प्रीमियम टाइप का लग रहा है इसका पैकेजिंग, सही में आप बोल सकते हो यार। मतलब ओवन स्टोरी का मुझे पैकेजिंग बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू मतलब पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज। सो सॉरी गाइस, हमको इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। और मैं लेकिन इतना बताना चाहूँगा आपको कि ये जो मतलब रीब्रांडिंग करके हमको बेचा जा रहा है गाइस, ठीक है। सो पहले अभी हम इसको खोलेंगे, इसके अंदर क्या है आई डोंट नो, देखते हैं एक बार। सो ये है शायद आपका मार्गरिटा पिज्जा, जी हाँ ये आपका मार्गरिटा है एंड इसके अंदर निकलेगा आपका चेन्नई सुपर किंग्स की। ठीक है, तो अभी हम इसको पूरा पिज्जा बना दिए हैं गाइस, मतलब सही है यार, मतलब साइज तो मतलब मीडियम पिज्जा का ही है आप बोल सकते हैं, है ना। और कहा जाए तो साइज में बड़ा लग रहा है, बहुत ही बड़ा साइज है एंड मतलब देखने में बहुत ही ज्यादा टेंटिंग है। एक बार आपको करीब से मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक है। Thank you.
सो ऑलराइट गाइस, आपने दोनों ही पिज्जा देखा और मुझे दोनों ही पिज्जा बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, सही है ना? मतलब कुछ अलग ही लेवल का टेम्पटिंग है भाई दोनों ही पिज्जा, आप देख सकते हैं। सो गाइस, मतलब अगर लुक्स में मार्क देना चाहूँ, एक सेकंड, लुक्स में मार्क देने से पहले मैं ओवन स्टोरी को बताना चाहूंगा कि ओरेगानो दो क्यों भाई, मतलब प्लीज यार, पिज्जा खाने वालों को ओरेगानो तो मतलब एक दो ज्यादा दे दिया करो। मैं दो, एक पिज्जा पे एक ओरेगानो, दूसरा पिज्जा पे और एक ओरेगानो, बस खत्म, ऐसे काम नहीं चलेगा। ओवन स्टोरी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज यार और मतलब ओरेगानो दीजिए, और साथ में टिश्यू पेपर भी नहीं मिला मुझे बॉक्स के अंदर, सिर्फ बिल थमा दिया। वो छोटा छोटा टेबल का मैं मतलब क्या करूँगा, छोड़िए रहने, डोमिनोज ऐसे भी नहीं देता। सो टॉकिंग अबाउट द लुक्स, मतलब लुक्स के हिसाब से मुझे चेन्नई वाला पिज्ज़ा बहुत ही बेटर लगा, क्योंकि ये मतलब लुक्स में बेटर है, तो मैं इसको रन देना चाहूँगा। सो पहला रन चेन्नई का, अभी भी मुंबई ने कोई भी स्कोर नहीं किया है। सो द सेकेंड थिंग कि अभी इन दोनों को हम टेस्ट करेंगे, पिज्जा तो एक ही ब्रांड का है, तो टेस्ट करके गाइस पता चल जाएगा कि इन दोनों में से विनर कौन है। वैसे मुझे लग रहा है कि मतलब चेन्नई को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड मुंबई को थोड़ा वीक बना दिया है। और गाइस, अगर आप आईपीएल देखते हैं तो आप कमेंट करें आपका फेवरेट टीम कौन सा है एंड इस साल आईपीएल कौन जीतेगा, आपको कौन सा टीम लगता है। सो अभी मतलब मेन हम लोगों का कंपेरिजन अभी होगा जो कि है टेस्ट का, ऑफकोर्स। तो मैं सबसे पहले गाइस टेस्ट करूंगा ऑफकोर्स मुंबई वाला मार्गरीटा पिज्जा। और मैं बता दूं गाइस कि आप देख रहे हैं ना, साइज बड़ा है, इट्स अ मीडियम साइज पिज्जा का स्लाइस है, क्योंकि ये आधा पिज्जा है मीडियम पिज्जा का। और वैसे भी ओवन स्टोरी का पिज्जा 21% मेरे हिसाब से नॉर्मल मीडियम पिज्जा से बड़ा होता है। सो ये है मतलब ऐसे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ग्रीसी लग रहा है मुझे, ऑयल क्वांटिटी ज्यादा है। सो जो ऑयल मतलब ऑयली ज्यादा खाना पसंद प्रिफर नहीं करते हैं, और आप ओवन स्टोरी पिज्जा का एक साइज खा के ही मतलब आपका मन भर सकता है। सो अभी टेस्ट करेंगे गाइस इसको। ये है अपना पिज्जा, देख रहे हैं साइज 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 साइज, कैमरा के साइज बहुत बड़ा है। सो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो ओवन स्टोरी पिज्जा का था एंड उसी से मैं मतलब बहुत ही मतलब ओवन स्टोरी पिज्जा मेरा बहुत ही फेवरेट हो गया था। एंड अभी वो सॉफ्टनेस है इस पिज्जा में, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा ज्यादा ऑयली है, एंड थोड़ा ज्यादा क्रिस्पी भी, तो ये बेक नहीं लग रहा है मुझे, थोड़ा मतलब फ्राइड टाइप का लग रहा है। नाउ अभी चेन्नई की बारी है, चेन्नई वाला पिज्जा मतलब यानी कि आपका पनीर वाला पिज्जा। और मतलब अब देख सकते हैं किस हद तक मतलब ये सॉफ्ट है पिज्जा, बाकी वाला पिज्जा का बेस मतलब बहुत ही क्रस्टी होता है। और नीचे आप बेस देखिए कैसा है इसका बेस, और हम इसको टेस्ट करेंगे। पनीर पता नहीं इसमें कैसा कुक्ड है, इसमें कॉर्न डला है, ऑलिव्स भी डले हैं एंड ऑनियन डले हैं, लेकिन वो जो दूसरा वाला पिज्जा था सिर्फ मार्गरीटा है। सो नाउ चेन्नई, आई विल टेस्ट यू। पनीर अब तक टेस्ट नहीं किया, लेकिन ओवरऑल कॉर्न में कुछ चिली वाला फ्लेवर आ रहा है, फिर मतलब मैं चिली फ्लेक्स डाला था उसका टेस्ट पता नहीं चल रहा है।
ओ भाई पनीर को क्या मस्त पकाया। मेरे को एक दिन पिज्जा खाने को बोल देना, मैं पिज्जा मिल जाए मैं खाता रहूंगा भाई। ओहो पिज्जा थोड़ा ठंडा हो चुका है लेकिन टेस्ट में जो मजा है कहीं और नहीं है। सो गाइस फाइनल विनर मैंने डिसाइड कर लिया है, लेकिन इसमें ओवन स्टोरी का थोड़ा गलती है, आपने मतलब पार्शियलिटी करा है मुंबई वालों के साथ एंड चेन्नई को आपने थोड़ा सुप्रीम सुपीरियर बनाया है। सो ऑफ कोर्स आज का विनर है चेन्नई सुपर किंग्स क्योंकि उन्होंने 2 रन बना लिया इस मैच में। सो ओवन स्टोरी ने मतलब एक हिसाब से आप बोल सकते हैं कि कुछ नहीं किया है ज्यादा, उन्होंने अपना मतलब जो नॉर्मल जो पिज्जा आता है उसी को रीब्रांडिंग करके आईपीएल के सीजन में बेच रहे हैं। सो ठीक है, वेल एंड गुड, उसी बहाने हमने आईपीएल के बहाने पिज्जा टेस्ट करा एंड आई वुड से गाइस ये दोनों पिज्जा बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल मार्गरिटा पिज्जा भी इतना अच्छा हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं मुंबई के नाम से ये पिज्जा ऑर्डर करा लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड मैं ऐसे मार्गरिटा पिज्जा खाता नहीं हूँ डोमिनोज का कभी भी, क्योंकि मतलब क्या प्लेन सा पिज्जा कौन टेस्ट करेगा विदाउट एनी टॉपिंग्स, टॉपिंग के साथ ही पिज्जा का टेस्ट आता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन सिर्फ मार्गरिटा पिज्जा इतना अच्छा लग सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। सो वेल एंड गुड, आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। सो अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए सो मैं इसमें जिताऊंगा ओवन स्टोरी को, क्योंकि भाई साहब आपके पिज्जा तो लाजवाब है। सो गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सो प्लीज डू लाइक द वीडियो, और अगर आप ये शक्ल पहली बार देख रहे हैं तो यार सब्सक्राइब करो ना, और मैं आपसे मिलूंगा कोई और अलग टाइप का वीडियो में। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।